हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ ऑडिटिंग से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एम्बलेजमेंट ऑफ कैश। सबसे पहले बात करें एम्बलेजमेंट होता क्या है। एम्बलेजमेंट मतलब हम कहेंगे मिस अप्रोप्रिएशन, मिस यूज या तो फिर थेफ्ट, यानी कि जो भी पैसा होता है बिजनेस में उन पैसों को मिस यूज करना, उन पैसों की चोरी कर लेना या उसको इधर उधर कर देना। ठीक है, ये क्या है टॉपिक को डिटेल में हम लोग समझते हैं। देखो, कैश जो है वो आसानी से मिस अप्रोप्रिएटली इजिली, मतलब पैसा जो है ना वो आसानी से गायब हो सकता है, चोरी हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। तो जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, इन बिग बिजनेस वेयर देयर इज नो क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट, यानी कि जो बड़े बिजनेस होते हैं ना वहां पे जो ओनर होता है, यानी कि हम कहेंगे प्रोप्राइटर, और जो भी एम्प्लॉय कैश को हैंडल कर रहा है उन लोगों के क्या कॉन्टैक्ट नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल ले ले हम लोग रिलायंस है या डीमार्ट है, ठीक है, उनके जो ओनर्स है और जो एम्प्लॉय जो कैश हैंडल कर रहे हैं, क्या उनके इजिली कॉन्टैक्ट होते हैं? नहीं, जनरली नहीं होते। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो जिसके पास स्किल्स है, जो बुद्धिमान है, वो आसानी से पैसों को क्या कर सकता है? मिस अप्रोप्रिएट कर सकता है, यानी कि पैसों को गायब कर सकता है, पैसा अपनी जेब में रख सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं, इसी टॉपिक को बोलते हैं एम्बलेजमेंट ऑफ कैश, कि बड़े बिजनेसेस में कैसे ये लोग एम्बलेजमेंट ऑफ कैश को रोकते हैं, कैसे मिसयूज होने से बचाया जा सकता है, और कौन से तरीके हैं जिससे कैश जो है वो एम्बलेज हो सकता है। तो सबसे पहले बात करें तो ट्रांजैक्शन जो भी अगर कैश का है, ठीक है, आइदर इट मे बी टोटली अनरेकॉर्डेड और इट मे बी रेकॉर्डेड एट लेस फिगर। तो बहुत सी बार क्या होता है, जो कैश आया है वो क्या हो सकता है, टोटली अनरेकॉर्डेड, यानी कि एम्प्लॉय ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया और रख लिया अपनी जेब में, ऐसा हो सकता है। या तो फिर जो पैसा आया है, ठीक है, मान लो 1,00,000 रुपए आए हैं, बट उसने वहां पे 90,000 ही डिस्क्लोज किया, मतलब कम फिगर डिस्क्लोज की, ठीक है, एंड देयर बाय आइदर टोटल और पार्शियल कैश रिसिप्ट मे बी पॉकेटेड बाय द कैशियर, और जो बाकी का पैसा था वो उसने क्या कर दिया, वो कैशियर ने पॉकेटेड, यानी कि अपने जेब में रख दिया। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, एम्बलेजमेंट ऑफ कैश होता है, यानी कि पैसे की चोरी होना या तो पैसा गायब हो जाना, पैसों का गलत इस्तेमाल करना, मिसयूज करना। सिमिलरली इन पेमेंट ऑफ कैश, अगर मान लो ये तो मैंने बात की थी पैसा आया था, ठीक है, अब मान लो पेमेंट करना है, तो ऐसा भी तो हो सकता है फॉल्स पेमेंट बता दे, कि भाई ऐसी एंट्री बता दे जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और उसने वो पैसा कंपनी से तो ले लिया बट वो अपनी जेब में रख दिया, और उस जो भी पेमेंट करना था उससे ज्यादा अमाउंट वहां पे डिस्क्लोज कर दी अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, एंड देयर बाय अमाउंट ऑफ फॉल्स पेमेंट और एक्सेस पेमेंट मे बी पॉकेटेड, यानी कि जो एक्सेस पेमेंट था या जो गलत पेमेंट था उसने अपने क्या किया, जेब में रख दिया। तो ऐसी सारी चीजें बहुत होती है। थस इन लार्ज बिजनेस देयर मस्ट बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कंट्रोल ओवर कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। यस, तो जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना वहां पे सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है, एक प्रॉपर एफिशिएंट और इफेक्टिव सिस्टम जहां पे प्रॉपर कैश पेमेंट और कैश रिसीव दोनों अच्छे से किया जाता हो। एंड मिस अप्रोप्रिएशन और डिफाल्केशन ऑफ कैश इज कॉमन इन ट्रांजेक्शन ऑफ कैश सेल, कैश परचेज एंड अदर रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, यानी कि जो पैसा है उसका मिस अप्रोप्रिएशन आसानी से हो सकता है, कौन से ट्रांजेक्शन में, जो कि कैश में होते हैं, कैश सेल हो, परचेज हो, या कोई भी तरह के कैश ट्रांजेक्शन होता है वहां पे पैसा इधर उधर आसानी से हो सकता है बिना पता चले, ठीक है। इसलिए पता है ज्यादातर कंपनी वाले ऑडिट करवाते हैं कि ऐसा कुछ भी तरीके का फ्रॉड हो रहा है या कोई तरह का एरर है वो पता चल पाए। तो ये हमने पढ़ा एम्बलेजमेंट ऑफ कैश। अब इसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला है ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स। देखो, सबसे पहला जो कैश सेल्स है वो रिकॉर्ड ना भी करे और जो कैश रिसीव किया है कस्टमर से वो पॉकेट में चला जाए। मतलब मान लो आप डीमार्ट गए हो, ठीक है, और वो जो कैशियर है आप पेमेंट कर रहे हो उसने अपने जेब में रख दिया, तो कैसे पता चलेगा? तो इसलिए प्रॉपर इफेक्टिव सिस्टम होती है उनकी, वहां पे शो करता है कि किस कस्टमर ने कितना लिया, कितना पे किया, कैश दिया, ऑनलाइन दिया, प्रॉपर ऐसी सिस्टम होती है जिससे वो पता लगा सकते हैं कि भाई कैश सेल्स हुआ है, तो कैश सेल्स जो है वो उसके पास ही, मतलब काउंटर में ही होना चाहिए, ना कि किसी के जेब में जाना चाहिए। दूसरा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स अगेंस्ट क्रेडिट सेल मे नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी मान लो हमने किसी को क्रेडिट सेल कर दिया, किसी को बेच दिया, ठीक है, अब मान लो उसका पैसा बाद में आ रहा है, तो वो भी प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर नहीं रिकॉर्ड किया तो ऐसा समझ लो कि वो कोई एम्प्लॉय के जेब में गया है। लेस अमाउंट मे बी क्रेडिटेड देन द एक्चुअल अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर बाय मेकिंग फिक्टिशियस एंट्री फॉर डिस्काउंट ऑल सेल्स रिटर्न और बैड डेब्ट्स। अब मान लो होता क्या है, से फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कोई कस्टमर को गुड्स बेचा, ठीक है, अब मैंने एक्चुअली में डिस्काउंट दिया, वैसा मैंने एंट्री की, बट एक्चुअली में कोई तरह का डिस्काउंट नहीं दिया, 1,000 रुपए का गुड्स बेचा,
लिया, ठीक है। अब 1000 रुपए के गुड्स में से मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैंने उसको डिस्काउंट दिया और यहाँ पे 800 रुपए बताया, और एक्चुअली मैं उसको कोई तरह का डिस्काउंट नहीं है, उसने तो मेरे को 1000 रुपए ही दिए, बट मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या बताया, डिस्काउंट 200 रुपए कहाँ गए, मेरे जेब में। तो इस तरह के भी फ्रॉड्स हो सकते हैं, इस तरह के भी एरर्स हो सकते हैं जब भी हम लोग कोई भी चीज का सेल करते हो। तो ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स में इस तरह का एम्बलेजमेंट ऑफ कैश हो सकता है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो परचेस ट्रांजेक्शन, आगे देखा था कैश वो थे सेल्स ट्रांजेक्शन, अब देखते हैं परचेस ट्रांजेक्शन। फिक्टिशियस परचेज में बी शोन एंड मनी में बी मिसअप्रोप्रिएट बाय शोइंग रॉन्ग पेमेंट। यस, अगर मान लो मैंने कोई गुड्स का परचेस किया ही नहीं है, मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरा जो बॉस है या वो तो उसको तो ध्यान है ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि मैं फालतू का एक फिक्टिशियस, मतलब होता है इमेजिनरी, जो एक्चुअली में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैंने कोई रॉ मटेरियल का या कुछ परचेस किया बट एक्चुअली में किया ही नहीं है, और मैंने उसमें लिख लिया और वो जो पैसा है वो मैंने कहाँ डाल दिया, जेब में। तो परचेस ट्रांजेक्शन के टाइम पे इस तरह की भी चीजें होती है। दूसरा, पेमेंट फॉर द परचेज में बी शोन ट्वाइस, ऐसा भी हो सकता है कि भाई पेमेंट जो है वो मैं उसमें दो बार बता दूं, ठीक है, कि दो बार मैंने पेमेंट किया, बट एक्चुअली मैं पेमेंट कितनी बार किया होगा, एक ही बार किया और दूसरी बार का पेमेंट जेब में गया, पॉकेटेड हो गया। अ डुप्लीकेट बिल में भी ऑप्टेन फॉर दिस पर्पस एंड अमाउंट ऑफ सेकंड पेमेंट में भी मिसअप्रोप्रिएटेड, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं डुप्लीकेट बिल बना के कंपनी में दे दूं कि भाई ये दूसरा पेमेंट उसको करना था, मैंने कर दिया, डुप्लीकेट बिल, एक्चुअल वाला बिल नहीं है, नकली बिल बना के दिया, और वो जो पैसा आया वो मैंने क्या कर दिया, पॉकेटेड कर दिया। तो इस तरह के भी परचेस ट्रांजेक्शन में फ्रॉड हो सकते हैं, एम्बलेसमेंट ऑफ कैश जिसको कहते हैं। मोर पेमेंट टू क्रेडिटर में बी शोन बाय सप्रेसिंग क्रेडिट नोट्स फॉर गुड्स रिटर्न और बाय ओमिटिंग डिस्काउंट अलाउड। अब देखो इसमें क्या होता है, मान लो जो क्रेडिटर है, ठीक है, मैंने उसको एक्चुअली में डिस्काउंट जो है वो नहीं दिया, ठीक है, बट मैं बता दूंगा कि मैंने इसमें क्या किया है, डिस्काउंट दिया है, ओमिटिंग डिस्काउंट अलाउड। इसका मतलब होता है कि जब भी मान लो मेरा कोई क्रेडिटर है, मान लो कि आप हो, ठीक है, मेरे को आपको देने हैं 1000 रुपए, ठीक है, मेरे को पे करना है आपको। अब क्या किया मैंने, मैंने आपको पूरा 1000 रुपए जो है वो मैंने मेरे कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया कि मैंने आपको कितना पे किया, 1000 रुपए, बट अंदर अंदर मैंने आपसे आपको बोला कि भाई थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, परचेस किया है, मैंने आपसे परचेस किया है, मेरे को आपको देने थे 1000 रुपए, मैंने सिस्टम में या अकाउंट्स में लिख लिया कि 1000 का परचेस किया, बट एक्चुअली में मैंने आपसे डिस्काउंट ले लिया, ठीक है, 100 या 200 रुपए का। तो जो 100 या 200 रुपए वो कहां गए, मेरे जेब में। तो इसको ही बोलते हैं एम्बलेसमेंट ऑफ कैश, पैसा जो है इधर उधर कर देना। तो हमने दो पढ़े, एक परचेस ट्रांजेक्शन और एक सेल्स ट्रांजेक्शन में जब भी कैश की लेन देन होती है ना, तो इस तरह से कैश का एम्बलेसमेंट हो सकता है। आगे बात करो तो आपको मैं बता दूं कि हमारी जो बीकॉम सेम 4 की बैच है ना, जिसमें हम लोग मेनली 4 सब्जेक्ट कवर करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, जिसमें आ जाता है कॉस्ट अकाउंट, स्टेटिस्टिक, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, और इन चारों सब्जेक्ट की जो फीस है वो 2399 है। और अगर अभी तक आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वहां पे जाके ये सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, हमारा कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और सारे बच्चे बहुत ही सेटिस्फाई है हमारी सर्विस से, और आपके कोई भी डाउट्स होंगे ना वो सारे हम आपके डाउट्स भी सॉल्व कर देंगे। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से या हमारे यहाँ पे जो भी स्टाफ है उनसे कांटेक्ट करके आपके सारे तरह के डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, कैसे परचेस करना है, नहीं फारा तो इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर करना। नेक्स्ट आगे बात करें तो है ट्रांजेक्शन ऑफ कैश रिसिप्ट। अब देखो कैश रिसिप्ट के कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं, तो सबसे पहला है कंसीलिंग रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिसलेनियस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकाउंट सच एज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हुज पेमेंट अकाउंट इज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट। हाँ, ऐसा हो सकता है मैंने छुपाया, अब यहाँ पे मैंने कुछ गलत एंट्री नहीं की, यहाँ पे मैंने चीजें ही छुपाई। कोई एक ऐसा कस्टमर था, जैसे मान लो मैं बिजनेस लेके बैठा हूं, आप हो, आप बहुत टाइम से पैसा पे नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया बैड डेट्स कि भाई अब तुम्हारे यहाँ से पैसा आने वाला नहीं है, अब मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। अब मान लो पता नहीं तुम्हारी आत्मा अलग से जग गई और अब हो गया कि भाई पेमेंट कर देते हैं जो भी बाकी है उन सबका, और आपने मेरे को पेमेंट कर दिया, मैं उस कंपनी का एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ, आपने पेमेंट किया मेरे को, हमारी कंपनी में आपको क्या लिखा था, एज अ बैड डेट्स लिखा था, आपने मेरे को पेमेंट कर दिया। अब मैं कंपनी में बताऊंगा ही नहीं, मैं क्या करूंगा, कंसीलिंग यानी कि छुपाऊंगा कि भाई आपने मेरे को पेमेंट किया, ठीक है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन में भी एम्बलेसमेंट हो सकता है कैश का। दूसरा है रिकॉर्डिंग लेस देन एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ वेरियस बिजनेस इनकम, अलग अलग बिजनेस इनकम होती है, ठीक है, ज्यादा इनकम हो रही है बता कम रहे हैं, ये भी हो सकता है। तीसरा, मिस अप्रोप्रिएटिंग मनी रिसीव्ड ऑन डिस्काउंट ऑफ बिल रिसीवेबल विद द बैंक, यानी कि मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, मनी रिसीव जो हुआ है उसका एक डिस्काउंट बिल बता दिया,
ठीक है, बट एक्चुअली में कोई तरह का डिस्काउंट नहीं है, वहां पे भी पैसा जेब में जाएगा। रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक मे बी अंडर कास्टेड एंड कैश बैलेंस शोज लेस द डिफरेंस मे बी मिस अप्रोप्रिएटेड, यानी कि जो कैश बुक है उसमें हमने बैलेंस कम बताया रिसिप्ट साइड का, तो भाई एक्स्ट्रा पैसा जो बचा वो क्या हुआ, जेब में चला गया। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम कैश ट्रांजेक्शन में आसानी से हो सकती है। और आखिरी है डी वाला, ट्रांजेक्शन ऑफ कैश पेमेंट। अब कैश पेमेंट कर रहा हूं तो उस टाइम पे कैसे होगा, एनी अमाउंट मे बी एंटर्ड एज हैविंग बीन पेड इन टू द बैंक अकाउंट बट मे नॉट बी पेड इन टू द बैंक अकाउंट। मैंने एंट्री कर दी कि भाई मैंने बैंक में पैसा डलवा दिया, बैंक में पेमेंट कर दिया, किसी को पे करना था, कुछ भी था, बट एक्चुअली में वो पे किया नहीं, तो एम्बलिसमेंट ऑफ कैश, वो पैसा जेब में गया। वेजेस में भी रिकॉर्डेड फिक्टिशियस नेम्स इन द वेजेस शीट। अब पता है आपको, जैसे बड़ी कंपनी है, फैक्ट्रिया है, ठीक है, वहां पे जो लेबर्स काम करते हैं उनको वेजेस देना होता है, मजदूरी देनी होती है। अब वो जो मजदूरी, अब मैं उस नाम के बंदे का नाम लिखा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो हमारी कंपनी में वो लेबर है ही नहीं, और मैंने वहां लिख लिया कि भाई एक्स वाई जेड इसका नाम है और इसको मैंने क्या किया, वेजेस पे कर दिया, और वो पैसा कहाँ चला गया, जेब में। तो इस तरह के भी एम्प्लेसमेंट हो सकता है कैश का। और तीसरा है, अ रॉन्ग पेमेंट और एक्सेस पेमेंट मे बी शोन ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। हाँ, गलत पेमेंट कर दिया, ठीक है, मतलब जानबूझ के कोई एम्प्लॉय है, वो जानबूझ के जो पेमेंट साइड है कैश बुक की, वहां लिख लिया कि इस चीज का पेमेंट कर दिया, बट एक्चुअली में किया नहीं था, उसने अपने जेब में रख दिया, फिक्टिशियस पेमेंट, इमेजिनरी पेमेंट किया हो, या तो जैसे पे करना था 2000 रुपए, पे कर दिया 4000, 2000 जेब में डाल दिए। ऐसे सब बहुत से ट्रांजेक्शन जो होता है वो कैश पेमेंट्स में देखने को मिलते हैं, इसको ही बोलते हैं एम्बलिसमेंट ऑफ कैश। अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग ये जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश हो रहा है, ये जो पैसा जेब में जा रहा है, कैसे उसको डिटेक्ट करें। तो उसके डिटेक्ट करने के लिए टोटल 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको देके रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट देके रखा है, ये पहले बता देता हूं, व्हेन कैश हैज बीन एम्बलिस्ड और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्केशन ऑफ कैश, द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी फॉलोड टू डिटेक्ट द फ्रॉड्स। जब भी हमको लगता है कि जो कैश है वो गायब हो रहा है, या जो भी कैश है वो उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उस टाइम पे फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए, ऐसे तो काफी सारे हैं, बट यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट दिए हैं। सबसे पहला, कैश बुक जो है ना उसको डेली बैलेंस करो, चेक करो डेली टू डेली, ठीक है, और उसको कंपेयर करो एक्चुअल कैश ऑन हैंड के साथ, यानी कि जो कैश बुक प्रिपेयर की है उसमें जो अमाउंट है वो, और हमारे हाथ में पैसा है वो, दोनों सेम है कि नहीं, डेली चेक करो। दूसरा, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक पासबुक एंड कैश बुक मस्ट बी कंपेयर्ड एंड बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड एवरी मंथ। यस, बैंक की पासबुक और हमारी कैश बुक दोनों को मैच करो, और हर महीने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, जिससे कोई भी तरह का फ्रॉड होगा, कोई भी गलती होगी, तुरंत पकड़ा जाएगी। तीसरा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी सेंड टू डेटर्स एंड क्रेडिटर एट सम इंटरवल्स। कुछ कुछ टाइम के बाद जो भी हमारे डेटर है, जिनको हमने हमसे पैसा लेना है, और जो भी क्रेडिटर है जिनको पैसा देना है, उनको टाइम टू टाइम एक स्टेटमेंट दिया करो, तो कुछ कुछ टाइम में, जिससे उनको पता रहे कि हमको कितना पेमेंट लेना है, देना है पूरा, और कोई एम्प्लॉय बीच में फायदा तो नहीं उठा रहा, वो भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो भी कैश का मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है ना, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़े तो आखिरी पॉइंट है, प्रिवेंशन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। कैसे हम लोग ये जो पैसा है जिसका एम्बलेसमेंट हो रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, कैसे हम लोग उसको रोक सकते हैं, तो उसके 5 पॉइंट मैंने दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट, एंड एफिशिएंट इंटरनल चेक सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस सो दैट वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर पर्सन। यस, इंटरनल चेक सिस्टम बनाओ, यानी कि जो भी एक बंदा जो भी काम कर रहा है उसके पीछे एक और बंदे को लगाओ, चेक करो कि वो जो काम कर रहा है वो बराबर कर रहा है कि नहीं, जिससे पता चल जाएगा अगर वो कोई भी गड़बड़ करेगा तो दूसरा बंदा उसको तुरंत पकड़ लेगा, ठीक है। दूसरा, पावर ऑफ कैशियर मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। यस, जो कैशियर है ना उसके पास ज्यादा पावर मत दो, और बैंक रिसिप्ट बुक जो है वो कैशियर के पास मत रखो, वो एक अंडर लॉक एंड की रखो, या तो फिर कोई एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हो ना जो ऑथोराइज साइन करता हो, और वो जो रिसिप्ट इशू करता हो उसको ही दो, तो बैंक रिसिप्ट बुक सबको नहीं देनी है, ठीक है। तीसरा, इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश शुड बी यूज फॉर स्मॉल पेमेंट, यानी आपको पता है ना पेटी कैश, छोटे छोटे पेमेंट्स के लिए छोटा सा पेटी कैश बनाओ, ठीक है, और उसमें से ही छोटे मोटे खर्चे उसमें से ही कर दो। और अगर मान लो आप लार्ज अमाउंट का पेमेंट कर रहे हो तो आप ना क्रॉस चेक करो, ठीक है, क्रॉस चेक करके ही पेमेंट करो तो ज्यादा सही रहेगा। फोर्थ पॉइंट है, ओनली अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर शुड हैव ऑथोरिटी टू ग्रांट डिस्काउंट अलाउंस और बैड डेट।
एक ही बंदा जो रिस्पॉन्सिबल है उसको ही अलाउ करो कि वो डिस्काउंट दे, वो प्रॉपर अलाउंस दे, डिस्काउंट अलाउंस दे और बैड डेब्ट्स का भी वही ध्यान रखे, नहीं तो फिर क्या हो सकता है, मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है कैश का। और पांचवा पॉइंट है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शुड बी सेंड टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एट रेगुलर इंटरवल एंड देयर कंसेंट शुड बी ऑब्टेन। यस, जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं तो डेटर्स और क्रेडिटर्स को उनके स्टेटमेंट टाइम टू टाइम भेजते रहो, जिससे क्या होगा प्रॉपर उनके कंसेंट मिलेंगे और कोई भी तरह की गड़बड़ नहीं होगी और ये जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश है हम वो रोक सकते हैं बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।